सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक्चुअली ये व्लॉग जो है मुझे इस चैनल पर अपलोड नहीं करना है, फिर भी मैं एक्चुअली इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि मेरा और एक चैनल है फॉरनेक्स व्लॉग के नाम से, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं इस चैनल पर जो है इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ओके, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे सिर्फ 3 दिन में जो है जॉब मिल गया यहाँ पर बैंगलोर में, मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, वो पूरा जो है मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एक्चुअली एवरीडे जो है मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। डोसा कड़े? हाँ यार, डोसे कड़े बेरे बेड़ा कौन बड़े है क्यों मैडम? थैंक यू। तो अभी मेरा हो गया ब्रेकफास्ट कंप्लीट, और मुझे अभी जाना है बस स्टैंड पर, एक वॉकेबल डिस्टेंस है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया था 28 को मॉर्निंग आ गया था, और उसी दिन मैंने गूगल में सर्च किया था कि कोई भी वॉक इन इंटरव्यूज़ है क्या। ओके, तो मुझे एक शॉप का मुझे मतलब एड्रेस मिल गया था। एक्चुअली वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू बोल के लिखा हुआ नहीं था, फिर भी मैं वहाँ पर चला गया था इंटरव्यू के लिए। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं यार, अगर वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे हैं या वॉक इन इंटरव्यू नहीं भी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जो भी कंपनी में आप जाना चाहते हो वहाँ पर जाके जो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इससे क्या होता है ना, नंबर वन एक बेनिफिट है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। और सेकेंड थिंग, अगर उनको इमीडिएटली पर्सन हायर करना है तो वो हायर भी कर सकता है। ये मैंने स्ट्रैटेजी पहले भी अपनाई थी और तभी भी मुझे जॉब हो गया था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने ये सेम थिंग जो है अभी भी अपनाया। मुझे एक सिर्फ एड्रेस मिल गया था शॉप का, मैं वहाँ पर चला गया था। मैं और एक बात आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, मैं इस टाइम जो है शॉप पर जॉब ढूंढ रहा था, मैं इस टाइम पर कोई कंपनी में जॉब नहीं ढूंढ रहा था ज़्यादातर। हाँ, मैंने इंटरव्यूज दिए थे। ओके, इंटरव्यूज दिए थे, फिर भी मैं शॉप में जॉब ढूंढ रहा था। वाई? बिकॉज इसका मैं और आपको कभी और बताऊँगा कि मैं इस टाइम शॉप में क्यों काम करना चाहता हूँ। ओके, इस व्लॉग में मैं ऐड नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि सर हमारे बॉस नहीं हैं, प्लीज़ आप इनका नंबर ले लो, आप उनको जो है कॉन्टैक्ट कर लो। उन्होंने जो है मुझे नंबर दे दिया था, लेकिन मैंने उस बॉस को कॉल नहीं किया और उसी दिन जो है मैं चला गया बेंगलुरु का जो मेन होलसेल मार्केट है एसपी रोड, जहाँ पर आपको कंप्यूटर स्पेयर पार्ट जो है बहुत होलसेल प्राइस में मिल जाते हैं, वहाँ पर मैं चला गया। वहाँ पर जाने के बाद मैं सिंपली रोमिंग कर रहा था। ओके, मार्केट देख रहा था, और एक्चुअली मेरा बहुत टाइम पहले से ही मन था कि मैं एसपी रोड में काम करूँ। सो एक बोर्ड से जो है मैंने नंबर उठा लिया, बोर्ड में जो नंबर होते हैं ना, उस शॉप के नंबर होते हैं, वहाँ से मैंने एक नंबर उठा लिया और मैंने वहाँ पर कॉल किया और मैंने बोला कि मैडम कोई वैकेंसीज है क्या? तो उन्होंने पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या स्किल्स आपको पता है, मतलब वो टेलीफोनिक इंटरव्यू उन्होंने ले लिया वहाँ पर, और उसके बाद बोला कि प्लीज़ सेंड योर रेज्यूमे। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पर मेरा रेज्यूमे सेंड कर दिया। रेज्यूमे सेंड करने के बाद मुझे डायरेक्टली तो कोई भी अपडेट नहीं मिला था। नेक्स्ट डे जो है मैं एक्चुअली उसी दिन रात में और इंटरव्यूज ढूंढ रहा था कि कहाँ पर इंटरव्यूज अवेलेबल है या नहीं, और नेक्स्ट दिन भी जो है मैंने सेम स्ट्रैटेजी अपनाई। वहाँ पर भी कहाँ पर लिखा हुआ नहीं था कि वॉक इन इंटरव्यू है, मैं सिंपली गूगल पर मैंने सर्च किया और ये कंपनी थी। ओके, सो मैं डायरेक्टली चला गया इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाने के बाद उन्होंने पूछा कि सर आप किस लिए आए हो, तो मैंने बोला कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझे रेज्यूमे पूछा, तो मैंने रेज्यूमे दे दिया आफ्टर 1-2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स के बाद जो है मुझे अंदर बुला लिया इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पर अंदर जाने के बाद मुझे एक पर्सन ने इंटरव्यू ले ली। सो इंटरव्यू लेने के बाद मुझे लगता था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, सो वो सेकेंड राउंड के लिए बुलाएंगे, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस था। सो वो इंटरव्यू होने के बाद 4 बजे के आसपास मैं वापस रूम में आ गया। रूम में आने के बाद एक्चुअली मैं मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था, तो उस टाइम पर जो है मैं देख रहा था कि किसी ने प्रमोशन करने के लिए मुझे मेल किया है क्या, तो मैं वो मेल चेक कर रहा था। ओके, जो मेरी यूट्यूब की मेल है, ये जो यूट्यूब चैनल है इसका मेल मैं चेक कर रहा था, तो वहाँ पर देखा कि एक पर्सन ने मुझे मेल किया है। वहाँ पर उन्होंने बोला कि सैफ आप मॉर्निंग यहाँ पर आ गए थे इंटरव्यू देने के लिए हमारे सोएंसो कंपनी में, तो आपका वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। ओके, आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और जीमेल भी नहीं था, तो सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने यहाँ पर आपको मेल किया है, सो प्लीज़ सेंड मी योर मोबाइल नंबर। ओके, तो मैं सोच के हैरान हो गया यार, मैंने ये इतनी बड़ी गलती मैं किस तरह से कर सकता हूँ यार, राइट। मतलब मेरा जो मेन रेज्यूमे है, मुझे जॉब ढूंढने में आया हूँ, तो मेरा फ़ोन नंबर मैंने ऐड नहीं किया था। एक्चुअली आई डोंट नो वो किस तरह से बाय मिस हो गया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ना मेरा रेज्यूमे मैं एडिट कर रहा था, सो उस समय शायद कहाँ पर गलती से मिस हो गया होगा।
से एक्चुअली वहाँ पर उन्होंने मेल किया है ना, तो मुझे लगता था कि यार मुझे लगता है कि मेरा जॉब हो जाएगा ठीक है। सो क्योंकि मतलब उन्होंने वहाँ पर मुझे ढूंढ के मेल किया, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी हो गई कि उन्होंने जो है वहाँ पर मेल किया था, मतलब मेल ड्रॉप किया था ओके okay? फिर भी मैंने उनको रिप्लाई दे दिया कि मैडम सो ये मेरा नंबर है, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो वो हो गया सेकेंड डे। जो थर्ड डे है ना, मुझे मॉर्निंग में ही मैसेज आ गया कि सर प्लीज़ इंटरव्यू के लिए आ जाना 10 बजे बोल के ओके okay? और वो इंटरव्यू थी जहाँ पर फर्स्ट दिन मैं गया था नेस्पी रोड, वहाँ की एक्चुअली मुझे मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जब मैं बोर्ड पर नंबर देके मैंने कॉन्टेक्ट किया था ना वहाँ पर। सो मैं वहाँ पर चला गया इंटरव्यू देने के लिए। एक्चुअली मुझे यहाँ से ना डायरेक्टली बस नहीं मिलता है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद जो है वहाँ से मुझे केआर मार्केट का बस पकड़ना पड़ेगा। करता हूँ बस में, तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ इंडियन एक्सप्रेस, तो मुझे यहाँ से जो है और एक बस जो है पकड़ना है, तो और एक बस पकड़ के मुझे केआर मार्केट जाना पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश लग रही है यार। 10 मिनट वेट करने के बाद बस आ गया है मार्केट। तो फिलहाल मैं उतर गया हूँ एसपी रोड में, और एक्चुअली मैं कंटिन्यू करता हूँ जो मैं इंटरव्यू के लिए गया था ना। एक्चुअली मैंने इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं ओके, मेरा जो फर्स्ट जॉब लेने के लिए बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन वहाँ पर हर एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ पहली बार ओके, मतलब इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ हर एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, लेकिन इस इंटरव्यू में ना मुझे वो पूछा ही नहीं था। मुझे डायरेक्टली पूछा गया है कि आपको क्या क्या स्किल्स पता है उसके बारे में एक्सप्लेन करो ओके, तो मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे मतलब इवन फैमिलीज़ के बारे में हूँ, बहुत सारी चीज़ें मतलब मिनिमम हाफ एन आवर जो है मेरा वो इंटरव्यू हो गया था ओके। सो फाइनली मेरा वहाँ पर जो है जॉब हो गया था, और जो मैंने पहले एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था ना वहाँ पर फर्स्ट राउंड हो गया था, और उन्होंने सेकंड राउंड के लिए भी बुला लिया था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया था क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करना था और जो मुझे पैकेज चाहिए था ना वो मुझे मिल गया था ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पर मैंने टाइम नहीं किया ज्वाइन होने के लिए, मैं इमीडिएटली जो है यहाँ पर ज्वाइन हो गया था। सो टोटल मैंने 3 दिन में 5 इंटरव्यूज़ दिए थे, और 3 थे वॉक इन इंटरव्यूज़ और 2 थे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। जो मैंने 3 जगह पर वॉक इन इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें से 2 जगह पर मुझे जॉब हो गया था, और एक जो टेलीफोनिक इंटरव्यू थी वहाँ पर भी मुझे ऑलमोस्ट जॉब हो गया था ओके। सो आप इस तरह से अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है या इवन आप प्रेशर भी हो, तो आप इस तरीके से जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकता है। और अभी जो है फिलहाल बैंगलोर में बहुत सारे ओपनिंग्स है यार, बस हमको उन तक पहुंचना है ओके। वो एग्जैक्टली वैसे पर्सन को ढूंढ नहीं पाते हैं जो उनको चाहिए, तो आपको उन तक पहुंचना है। और सेकंड थिंग, और एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं, मुझे Naukri.com से ना बहुत से कॉल आ गए थे इंटरव्यू के लिए ओके। और मैं आपको एक टिप्स यहां पर शेयर करता हूं, अगर आप Naukri.com पर अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो मैं आपको एक टिप्स देता हूं। देखिए Naukri.com पर अगर आप अपलोड करेंगे ना जो भी आपका रिज्यूमे है, तो आपको डायरेक्टली कॉल नहीं आएगा, वहाँ पर जो है आपको SEO करना पड़ता है। आपने आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको SEO के बारे में पता होगा, और थोड़े लोग ऐसे भी होंगे जिनको SEO के बारे में पता नहीं है। जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूँ, अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो ना, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट या बेस्ट लैपटॉप या बेस्ट जो भी आपको चाहिए आप सर्च करते हो ना, जो टॉप पर आता है ना उसी को एक्चुअली SEO करके जो है टॉप पर लाया जाता है। सेम थिंग एक्चुअली Naukri.com पर भी होता है, अगर आप सही से वहाँ पर कीवर्ड्स डालेंगे या आप रिज्यूमे सही से अपलोड करेंगे ओके, मतलब अपना जो प्रोफाइल है ना वो अगर आप 100% वहाँ पर करेंगे, तो आपको बहुत सारे कॉल्स जो हैं आएंगे Naukri.com से। तो ये आप इजीली सीख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहाँ पर सीख के जो है अपना जो भी रिज्यूमे है वो आप Naukri.com पर अपलोड कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा भी पहले ये थिंकिंग था कि Naukri.com पर कॉल नहीं आते हैं यार, लेकिन इस टाइम पर मैंने वो प्रॉपरली जो है SEO किया हुआ था, तो मुझे बहुत से कॉल आ गए थे इंटरव्यू के लिए ओके। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिल गई होगी कि किस तरह से मैंने जॉब लिया सिर्फ 3 दिन में ओके। कोई भी हो यार आराम से जो है आप जॉब ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा, ज़िंदगी में ना परफेक्शन के लिए वेट मत करो यार, अगर आप परफेक्शन के लिए वेट करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ जाएंगे। एक्चुअली ये मेरा पहला व्लॉग है इस चैनल पर, इससे पहले भी मैंने व्लॉग्स वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे बैंगलोर में बनाने के लिए ना शर्म आ रही थी ओके। और मैं कल रात थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रहा था, मैं आपको बिहाइंड द सीन जो है यहाँ पर ऐड करूँगा, आप उनको देख लेना।
अगर मैं मेरा नेक्स्ट स्टेप नहीं लेता ना, तो शायद आज मैं ये पूरा व्लॉग जो है नहीं बना पाता। ओके, और अभी आप देख सकते हैं मैं जो है बात कर रहा हूँ, और ये कल रात में मेरे साथ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है मैं आराम से बात कर रहा हूँ। तो यही होता है, अगर आप परफेक्शन के लिए वेट करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जो मैंने मेरा पहला जॉब लिया था ना, तो तब मैंने 17 इंटरव्यूज दिए थे, तो 17 इंटरव्यूज में मैंने एक्चुअली कुछ ना कुछ सीखा था। ओके, एक इंटरव्यू देने के बाद, फेल होने के बाद, उसमें मैंने जो सिखाया था ना, वो मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू पर अप्लाई किया था। थर्ड इंटरव्यू, फोर्थ इंटरव्यू, टोटल मैंने 17 इंटरव्यूज दिए थे मेरा पहला जॉब लेने के लिए। और अभी जो है सिर्फ 5 इंटरव्यूज दे दिए, उसमें से ऑलमोस्ट 3 जगह पर जो है जॉब हो गया था। ओके, सो आपको परफेक्शन के लिए वेट नहीं करना है, जो भी है जितना भी है आपको सिर्फ उससे जो है स्टार्ट कर देना है। और आप में से ऐसे बहुत से लोग भी होंगे जो सोचते होंगे कि इंग्लिश तो एकदम परफेक्ट आना है तब जाके हम इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई भी आराम से इंटरव्यू दे सकता है। और मेरी इंग्लिश भी एकदम परफेक्ट नहीं है, जितनी भी मुझे आती है ना उसी से मैंने स्टार्ट किया है। ओके, जितनी भी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उससे जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो मेरा जॉब हो गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो मेरा इंटरव्यूअर था वो एक्चुअली जो है डायरेक्टली हिंदी बात करने के लिए स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो हिंदी तो मुझे ऑलमोस्ट आती है, तो मेरा ये इंटरव्यू जो है एकदम अच्छे से चला गया था। तो ऐसा होता है यार, बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपकी जो भी लैंग्वेज है उससे जो है आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन ये पूरा रहता है आपके इसके ऊपर। ओके, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको जॉब लेना ही है तो आप आराम से जो है जॉब ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरी पूरी जर्नी आज की यहाँ पर नहीं शो करूँगा, वो मेरा कभी और जो है व्लॉग आएगा। हमारा जो भी स्टोर है उसका मैं टूर करवाऊँगा, और जो भी मैं हम मेरे बॉस है उनसे भी मैं आपको मिलाऊँगा, और कि हम क्या क्या काम करता है वो पूरा मैं आप लोगों के साथ में उस व्लॉग में शेयर करूँगा। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को जो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो प्लीज़ आप जो भी मेरा फॉरनेक्स व्लॉग चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।